हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक सोजल स्थित होटल हाईवे होल्ड पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता भारत सरकार में केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, महिला अत्याचारों के मामले में बढ़ोतरी हुई है, एससी एसटी अनुसूचित जाति पर अपराध बढ़े हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लूट हत्या बलात्कार जैसे अपराधों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार ने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज के हर तबके को साथ लेकर संगठन को चलाता है। कोरोना काल में हमारे संगठन का कार्यकर्ता ने हर समय आमजन की सेवा कर आमजन का विश्वास हासिल किया। जिला संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह बालावत ने कहा कि पाली जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से है। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष पंकज त्रिवेदी व हीरा लाल ने किया। बैठक में सोजत विधायक शोभा चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, मारवाड़ जंक्शन पूर्व विधायक केसाराम चौधरी, मोहन जाट, सुनील भंडारी, गीसूलाल मेघावल, हेमाराम चौधरी, श्रीमती मंजू जुगल किशोर, धोबली देवी, कुलदीप शर्मा, पंकज त्रिवेदी, नरपत सोलंकी, हीरालाल कांठेड़, दिग्विजय सिंह, सोहन मेवाड़ा, अनिल शर्मा, घेवर मेवाड़ा, राकेश खिंची, गणपत बोराना, सुरताराम देवासी, मानक चौहान सहित जिले के सभी भाजपा विधायक व पदाधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, इनका कहना है कि जनता के काम अगर वास्तव में सबसे पहले और सही जैसा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करने का बालावत साहब ने कहा है, तो एक उदाहरण बनाकर और बताकर सबसे पहले अगर कोई पन्ना प्रमुख बनेगा और पूर्ण रूप से जितने सभी पन्ना प्रमुख बनेंगे तो ऐसा मुझे यकीन है कि पाली में सबसे पहले बनेंगे। विश्वास कर सकता हूँ, मैं इनको भरोसा दिला दूं, दोनों हाथ खड़े करके कहूं या ये हुई ना बात। तो इससे पहले हालांकि मुझे आदमी बनने के लिए कहा है, तो आदेश प्रभारी जी का जिला अध्यक्ष जी का है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले इस काम को निपटा लो, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो आज हमारे जिस तरह से जिले में सभी मंडल है, वो 40 मंडल है, तो एक बार 40 मंडल अध्यक्ष के पास सब खड़े हो जाए ताकि मैं नजर से एक बार सबको देख लूं। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।